एग्जाम्पल बेस्ड ऑन क्या टॉपिक लिखा हुआ है, एल आर, यानी कि ये प्योर इंडक्टर नहीं है। प्योर इंडक्टर में आर नहीं लेते। अब ये इंडक्टर है, आर भी है और एल भी है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और जब क्वेश्चन एल आर सर्किट हो तो आर भी है एक्स एल भी है, तो नेट रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंपेडेंस। तो नेट रेजिस्टेंस इंपेडेंस कहलाएगी। व्हेन एन इंडक्टर एल और आर सीरीज में 12 वोल्ट की बैटरी है, मतलब बैटरी सॉरी सप्लाई है, बैटरी तो नहीं है, डीसी नहीं है, एसी है, सप्लाई तो ई आरएमएस है, फ्रीक्वेंसी है, करंट कुछ मेंशन नहीं है तो आई आरएमएस है, करंट डिफर्स इन फेस फाई गिवन है, आपको आर निकालना है। पहली बात तो अगर टोटल ईएमएफ पता है, टोटल करंट पता है, दोनों को डिवाइड करके टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, जिसको बोला जाता है इम्पीडेंस। तो ये इम्पीडेंस हो गई, सेट आ गया। और मैंने इम्पीडेंस ट्राइंगल में एक आपको टेन फाई की वैल्यू बताई थी, और मैंने कहा था एक और चीज़ याद कर लो, कॉस फाई आर बाय जेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आर पता है, जेड पता है, आर की वैल्यू आ गई, क्योंकि फाई तो आपको पता ही है। आप चाहें तो टेन फाई भी लगा सकते हैं, पर कॉस फाई ज़्यादा ठीक है। यहाँ पे जेड पता है, आर पता है, कॉस फाई से आर की वैल्यू आ गई, डन। तो जो फेज डिफरेंसेस के क्वेश्चन है इसमें ये फाई होता है। जैसे फिर देखो, एक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस पता है, आर पता है, कनेक्टेड टू इंडक्टर एल, 100 वोल्ट मार्क किया हुआ है, 100 वोल्ट का मतलब यहाँ पर ई आरएमएस है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, एंगल आपको पता है। अब देखो टेन फाई लगा लो, क्योंकि जेड तो पता नहीं, टेन फाई क्या है, एक्स एल बाई आर, एक्स एल क्या है, एल ओमेगा, आपको फाई पता है, टू पता है, पाई पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, आर पता है, क्या नहीं पता, एल आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर। तो कभी कॉस फाई कभी टेन फाई कोई भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें कन्वीनियंट हो, बात तो एक ही है। नेक्स्ट, एक क्वाइल है जिसकी रेजिस्टेंस आर पता है, इंडक्टेंस एल पता है, अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ पता है, फेज डिफरेंस बताओ करंट और वोल्टेज में, लगा दो टेन फाई। टेन फाई क्या है, एक्स एल बाई आर, एल आर सर्किट है तो एक्स एल बाई आर लगेगा, एक्स ही तो है ही नहीं, एक्स एल क्या है, एल ओमेगा, ओमेगा क्या है, 2.2 फ्रीक्वेंसी, सॉल्व करके 1 आ गया, तो फाई क्या आएगा, 45 डिग्री आंसर। नेक्स्ट 21, अ कॉइल व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 10 वोल्ट डीसी, इंपॉर्टेंट, एसी नहीं, एक इंडक्टर कॉइल है, किसके साथ कनेक्टेड है, डीसी, जब डीसी वर्ड आ जाए एक्स एल का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ आर का काम है। तो ये डीसी करंट है, ये डीसी करंट है, ये डीसी वोल्टेज है। तो अगर मैं नेट डीसी वोल्टेज को नेट डीसी करंट से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सिर्फ आर आएगा, क्योंकि डीसी के मामले में एक्स एल का कोई रोल नहीं है, तो ये आ रहा क्या। लेकिन वो कह रहे हैं अगर मैं इसी क्वाइल को एक एसी के साथ कनेक्ट करूं, ये ई आरएमएस है, तो करंट कितना है, 1 एम्पियर, ये आई आरएमएस है। पहला केस है डीसी का, दूसरा केस है एसी का, तो डी एसी में अफेक्टिव या आरएमएस वैल्यू एक ही बात है। तो आपको आरएमएस वैल्यू पता है 10, आरएमएस करंट पता है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल करंट को एल, अब क्योंकि एक्सएल भी और आर भी है, एसी है, अब रेशियो क्या देगी आपको, जेड, टोटल रेजिस्टेंस जेड आएगी। तो इसमें जब डीसी कनेक्टेड है तो आर आएगी, जब एसी कनेक्टेड है तो जेड आएगी। अब अगर जेड आ गया, आर आ गया, जेड का फॉर्मूला होता क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, इसको अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये टर्म आएगी, एक्स एल की वैल्यू क्या आएगी, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये रहा, ये एक्स एल आएगा। अब इसके अंदर आपको जेड पता है, इसके अंदर आपको आर पता है, यहाँ वैल्यू पुट करके आपके पास एक्स एल आएगा, एक्स एल आ गया, एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा, फ्रीक्वेंसी आपको पता है 2.2 फ्रीक्वेंसी, यहाँ से एल की वैल्यू आ गई। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि डीसी और एसी से क्या निकलेगा, डीसी में आर निकलेगा, एसी के अंदर जेड निकलेगा, फिर आर और जेड का और एक्सएल का फॉर्मूला तो है ही आपके पास, आंसर आएगा।
समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट 22, गौरव, गुनेन, जिया वर्मा, मन्नत, मोहिन, निर्वाण, मोहिन, मोहिन, मोहिन। क्वेश्चन है, 80 वोल्ट 800 वॉट हीटर, पहले ना एक बात को समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। जब भी ये ऐसी रेटिंग गिवन हो, इसका मतलब आपको वो ये बता रहा है कि इसमें आर की वैल्यू कितनी है। कैसे? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, याद है? तो आप वही लगा दो, पावर इज वी स्क्वायर बाय आर से आर की वैल्यू 8 ओम आ जाएगी। इसे तो लंबा कर दिया, पावर इज वी इंटू आई से पहले आई निकाल के बैठ गया, फिर वी इज इक्वल टू आर से आर, आर जरूरत क्या है? सीधा इलेक्ट्रिसिटी में करते तो थे, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर आ गया। ये रेटिंग दी ही इसलिए जाती थी ताकि आप आर निकाल सके, बस इसका और कोई काम नहीं है। तो तुमने यहाँ से आर निकाल लिया, कह रहा है इसको किस पे चलाना है, 100 वोल्ट पे। देखो आप ये मत कहना ये वी आर एम एस है ना, ये तो जब कंपनी ने प्रिंट करके भेजा इसको 80 वोल्ट पे चलना चाहिए, तो आर इतना यूज होगा, चलाना उसको 100 पे है, ये आर एम एस है, ये आर एम एस है। फ्रीक्वेंसी पता है, इंडक्टेंस ऑफ चोक रिक्वायर्ड, मतलब आर तो इसमें है ही है, चोक का मतलब होता है इंडक्टर, साथ में इसमें एल भी लगा हुआ है, तो एल की वैल्यू क्या है ये बताओ। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि आई आर एम एस क्या होगा, वी आर एम एस बाई जेड, जेड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ओमेगा 2.2 फ्रीक्वेंसी, वी अफेक्टिव आर एम एस क्या है 100, अफेक्टिव करंट क्या है 10। अब करंट कहां से आएगा, करंट ये बताएगा, करंट जी वैल्यू जितना इसको रिक्वायरमेंट है वो आरएमएस है, और कोई करंट गिवन भी नहीं है, तो ये आरएमएस करंट यहीं से पावर से निकलेगा। वोल्टेज लेकिन वो लेनी है जिस पर जो सोर्स है, ये 180 मत लेना, 100 लेना ईआरएमएस, बस यहां वैल्यूज पुट करना, यहां से सॉल्व करके एल निकालना। मुश्किल पार्ट ये है, कैलकुलेशन कैसे करें, आती नहीं है इतनी गंदी कैलकुलेशन, अंडर रूट भी है, स्क्वायर भी है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है कैलकुलेशंस। मेथड समझ में आ रहा है करना क्या है? ये ना आपको ना घर जाके कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आपके माइंड में, आप घर जाके ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ई आर एम एस है कि ये आर एम एस है। तो याद रखना जो सोर्स है, सप्लाई है, ये ई आर एम एस है, ये कुछ नहीं है। यहाँ से तो रेजिस्टेंस निकलेगी और यहाँ से जो करंट निकलेगा वो आए आर एम एस मान के चल पड़ना, बस ये क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, उसके बाद तो आई आर एम एस इज ई आर एम एस बाई जेड, तो ये जेड पुट कर लेना आंसर। ये दो फॉर्मूलाज है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे स्टूडेंट कनेक्ट्स अ लॉन्ग एयर कोर क्वाइल, इंडक्टर है, 100 वोल्ट डीसी एंड रिकॉर्ड्स अ करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर, डीसी की बात कर रहा है, तो डीसी में टोटल वोल्टेज को टोटल करंट से डिवाइड करके क्या आएगी, रेजिस्टेंस, एक्सएल तो आएगा ही नहीं। दूसरे केस में ई आरएमएस है और आई आरएमएस है, इन दोनों को डिवाइड करके क्या आएगा, जेड, क्योंकि एसी है, अब वो क्या देगा आपको, जेड, ये देखो जेड आ गया। अब आरएल सर्किट में जेड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, एक्सएल निकाल लें, आपको R पता है, आपको Z पता है, सॉल्व करके एक्सेल आ जाएगा, वही सेम क्वेश्चन जो भी किया था डी सी एसी वाला, ठीक है ना? यहां तक ये कर लो, नेक्स्ट ही वाला 60, नेक्स्ट तो इजी है, फॉर्मूला बेस्ड ही है।
60 वोल्ट आएगा यहाँ पे, करेक्शन है 60 वोल्ट 10 वॉट। इलेक्ट्रिक लैंप को इस पे चलाना है, तो मैं क्या समझाया था, ये ईआरएमएस नहीं है, ये ईआरएमएस है, ये ईआरएमएस ऐसे। तो ये क्यों गिवन है, ये इसलिए गिवन है ताकि आप आर निकाल सकें। ये ना ई इफेक्टिव बोलता है लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैंने नोट किया इसने इसको ई इफेक्टिव यूज़ किया, इसको भी ई इफेक्टिव यूज़ करना शुरू कर दिया। मतलब वो ये बता रहा है कि ये भी ई इफेक्टिव है कि न्यू ई इफेक्टिव है, और मैं ये कहता हूँ इसकी जरूरत ही नहीं है। पावर रेटिंग रेजिस्टेंस निकालने के काम आ रही है, और हमने रेजिस्टेंस साइड पर निकाल के रख ली, आर आ गया, बातें खत्म हो गई, ठीक है। हाँ, पावर रेटिंग से जो करंट आता है, हाँ वो आई आर एम एस है, बात खत्म। पिछला क्वेश्चन यही था, पावर इज इक्वल टू वी इन टू आई से जो आई आएगा वो आई आर एम एस है, लेकिन ई आर एम एस इसलिए 60 नहीं है क्योंकि उसको 60 पे चलाया नहीं जा रहा, उसको 100 पे चलाया जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। वैसे तो ई आर एम एस ही है पर हम उसको 60 यूज नहीं कर रहे क्योंकि उसको चलाना 100 पे है, तो 100 को ई आर एम एस लेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो टर्म इसलिए गिवन है ताकि आप पावर यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकें वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी से। तो यहाँ से पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से आप वी को 60 पुट करके आर निकाल सकें, और पावर इज इक्वल टू वी इन टू आई से आई आर एम एस निकाल सकें। लेकिन हम ई आर एम एस को 100 यूज़ करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में सप्लाई 100 के बने। तो ये देखो कह रहे इम्पिडेंस निकाल दो। इम्पिडेंस क्या होती है, टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट। टोटल वोल्टेज ई इफेक्टिव या आरएमएस वैल्यू 60 नहीं ली, 100 ली, क्योंकि उसको चलाया 60 पे नहीं जा रहा, 100 पे जा रहा है, लेकिन करंट रिक्वायरमेंट उसकी पावर से आएगी, 1/6 चाहिए उसे, आंसर। फिर अगले केस में कह रहे हैं रिएक्टेंस क्या होगी, XL क्या होगा। तुम्हें इस क्वेश्चन में R तो पावर से निकाल ही लिया, Z तुमने निकाल लिया, तो फिर XL निकाल लेना आंसर। हाँ वो इफेक्टिव होता है एक्चुअल में, देखो एक्चुअल में 60 वोल्ट RMS ही होती है, ठीक है 60 वोल्ट RMS है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में RMS नहीं यूज़ कर पा रहा क्योंकि उसको नई RMS वैल्यू असाइन कर दी गई, इसलिए ये इसका मतलब। तो इसलिए बुक्स गलत नहीं कर रही, वो ई इफेक्टिव बोल रही हैं, यहाँ पे ई इफेक्टिव डैश बोल रही हैं, बाकी सब कुछ सेम रख रही हैं, गलत नहीं है, सही है, ठीक। अब सेकेंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि अगर मैं इंडक्टर चोक मीन्स इंडक्टर की जगह मैं रेजिस्टर ले लूँ, तो बताओ वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो कि रिजल्ट सेम आ जाए। अब मुझे ये बताओ जेड का फॉर्मूला टोटल कितना आया, 600। टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई, 600, जिसमें आर की वैल्यू कितनी है, 360, कैपिटल आर 360 है, ठीक है। तो अगर मैं नया XL ना यूज़ करते हुए R यूज़ करूं, तो मेरी R की वैल्यू 600 माइनस 360 यानी कि 240 होएगी, क्योंकि R तो सीरीज़ में है ना, तो R1 प्लस R2 मस्ट बी इक्वल टू 600। इसमें XL का फॉर्मूला मत लगा देना, XL यूज़ करेंगे फिर ऐसे निकलेगा, R यूज़ करेंगे माइनस करके निकलाएगा आंसर 240। रेजिस्टेंस में तो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है ना, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 600। वो कह रहे हैं इंडक्टर नहीं लगाना चाहता, अगर तो इंडक्टर लगाएगा फिर तो 480 ओम का लगाएगा, अगर रेजिस्टर लगाएगा तो 240 ओम का लगाएगा, क्योंकि रेजिस्टर क्या कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, इन दोनों का सम 600, और एक्सेल में तो फिर वो एसी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि रिप्लेसमेंट कैसे की, चोक इंडक्टर होता है इंडक्टर। जैसे ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, इसके मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान से समझने वाले, टर्म्स क्लियर है, हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत जल्दी क्वेश्चन निकलते हैं इसके, एनसीईआरटी के।
12 ओम रेजिस्टर क्या गिवन है आर, इंडक्टेंस एल सीरीज में है, एंड ऑफ द सर्किट ई आर एम एस पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, कैलकुलेट करंट इन द सर्किट कोई मेंशन नहीं किया तो आई आर एम एस। तो तुम पहले जेड निकाल लेना अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्स एल के स्क्वायर से, ई आर एम एस आपको पता है, आई आर एम एस क्या होगा ई आर एम एस बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी कि जेड आंसर। फिर क्या निकालना है फेज डिफरेंस टेन फाइव लगा देना एक्स एल बाई आर आंसर, टेन इनवर्स में छोड़ देना सफिशेंट है। ठीक है यहाँ तक तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इजी है, वी आर है वी एल है, नेट वोल्टेज क्या होगी अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, कुछ नहीं करना है इसमें, बाकी इजी है कोई दिक्कत नहीं है।